हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आलू पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक गठरी पालक ली हूँ, उसकी सिर्फ लीव ले रही हूँ। तो अच्छे से साफ़ करके धो लिया है और बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। यहाँ पे मैं 4 बॉयल किया हुआ आलू को पीसेस में काट कर ली हूँ। मैं यहाँ पे बॉयल किया हुआ आलू ले रही हूँ, आप चाहे तो कच्चा आलू भी ले सकते हैं। क्विकली बन जाती है बॉयल किए हुए आलू से, क्योंकि पालक को भी पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सभी को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सरसों तेल ले रही हूँ। इस सब्ज़ी में सरसों तेल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप जो तेल खाते हैं आप वो ले सकते हैं, पर मैं सरसों तेल ले रही हूँ। तो तेल गर्म हो गई है, तो आधी छोटी चम्मच हींग, आधी छोटी चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च ले रही हूँ। जीरा चटक जाएगी तो इसमें अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च जो बारीक बारीक चॉप करके रखी हूँ वो रख दूँगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हूँ, ज़्यादा नहीं, और कुछ अदरक के टुकड़े, कुछ लहसुन के कलियाँ, उसे बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। इसमें पेस्ट किया हुआ अच्छा नहीं लगता है, इसमें चॉप किया हुआ ही डालें तो बहुत अच्छी फ्लेवर आती है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। जब अदरक लहसुन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो मुँह में जाती है वो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। तो प्याज हल्का सा ब्राउन हो गई है तो इस टाइम पे मैं टमाटर डाल दूंगी। प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का कलर चेंज हो जाए उतना ही। तो अब इसमें टमाटर रख दी हूँ। टमाटर भी बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा नहीं। तो टमाटर सॉफ्ट हो गई है तो इस टाइम पे थोड़ी सी मसाले ऐड करूँगी, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाती है। तो थोड़े थोड़े मसाले ली हूँ, तो हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और चलाते हुए भून लेते हैं। इस टाइम पर 2-3 चम्मच जितना पानी इसमें डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ताकि मसाले अच्छे से भून जाए, नहीं तो नीचे से लगने का डर है। तो आप देख सकते हैं मसाला भून चुकी है। तो इस टाइम पे पालक रख देती हूँ, तो मसाले के साथ पालक भी पकती रहेगी। और आप देख सकते हैं कि पालक बिल्कुल ऊपर तक आ गई है, तो इसे मिक्स करने में नहीं बनेगी। तो ढक के इसे 1 या 1.5 मिनट तक छोड़ देते हैं। जब पालक थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो उसके बाद इसे मसाले में मिक्स करेंगे बढ़िया से। तो इसे ढक देते हैं और 1-1.5 मिनट के लिए। तो 1 मिनट हो गई है, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पालक बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और पानी भी छोड़ दिया है। तो अब इसे मसाले में मिक्स कर लेते हैं और इसी टाइम पे आलू भी रख दूंगी। आलू बॉईल किया हुआ है और पालक पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, तो इसी टाइम पे आलू भी रख देते हैं ताकि साथ में वो भी थोड़ी सी और पक जाएगी और मसाले का अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा आलू में। इस सब्ज़ी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। आलू बॉईल किया हुआ है और पालक 3 से 4 मिनट में पक जाती है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। अगर चावल के साथ खाना हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसे पराठे के साथ खाने वाली हूँ तो इसमें पानी नहीं डालूँगी। पालक जितना पानी छोड़ेगा उतना ही काफ़ी है। तो इसे ढक के 3 मिनट तक इसे पकाना है हमें। तो 3 मिनट हो गई है, चेक कर लेते हैं सब्ज़ी। तो ये देखिए सब्ज़ी बन के रेडी है और कलर कितनी प्यारी आई है, बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस टाइम पे गैस बंद कर देती हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से रखती हूँ और इसे मिक्स करके शर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी शर्व कर ली हूँ, कितनी अच्छी कलर आई है। तो अगर सब्ज़ी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।